बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ उसी की फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक गलत हरकत करने की कोशिश की। दिवाली के एक दिन पहले जब शूट खत्म करने के बाद ये एक्ट्रेस अपनी वैनिटी में चेंज कर रही थी, तब प्रोड्यूसर अचानक से अंदर आ गया। प्रोड्यूसर की इस हरकत में उस सेट का, उस एक्ट्रेस का स्पॉट बॉय भी शामिल था। यह खुलासा किया है इस एक्ट्रेस ने अपने मीडिया इंटरव्यू में। मंदाना करीमी, जो कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी है, एक्ट्रेस, मॉडल, उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी फिल्म कोका कोला के प्रोड्यूसर महेंद्र धरीवाल ने उनके साथ ये गलत हरकत करने की कोशिश की। मंदाना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं सदमे में हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। कोका कोला फिल्म पर मैं पिछले एक साल से काम कर रही हूँ, ये जानते हुए कि इन लोग की टीम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, फिर भी मैं एक साल से मैनेज कर रही थी। हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर महेंद्र धरीवाल जो है वो पुरानी सोच के हैं और बहुत ही पुरुषवादी हैं। एक सेट पर एक इंसान की ईगो पर काम करना कोई नई बात नहीं है। वंदना करीमी बताती है कि 13 नवंबर की बात है, दिवाली के एक दिन पहले मैं अपना काम जल्दी निपटाना चाहती थी क्योंकि उसके बाद मेरी एक फ्रेंड के साथ मीटिंग थी। शूट खत्म करने के बाद जाने से पहले प्रोड्यूसर ने मुझे एक घंटा रुकने के लिए कहा था, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। मैं अपना काम करके वैनिटी में चेंज करने के लिए चली गई। मैंने स्पॉट बॉय को कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। मंदाना को लगा कि डोर लॉक होगा, लेकिन ऐसा था नहीं और अचानक से पीछे से महेंद्र धरीवाल, जो उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो वैन में आ गए। मंदाना ने उन्हें वहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र धरीवाल रुके नहीं। मंदाना ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं खड़ा होकर चिल्लाने लगा। फाइनली उनकी टीम के एक मेंबर जो मंदाना के स्टाइलिस्ट है हितेंद्र, वो अंदर आए और उन्हें महेंद्र को समझाकर बाहर ले जाना पड़ा। मंदाना के इन आरोपों पर महेंद्र धरीवाल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मंदाना की ये कहानी बिल्कुल झूठी है। महेंद्र धरीवाल ने बताया है कि उन्होंने मंदाना को इस फिल्म के लिए 7 लाख रुपए में साइन किया था। दिल्ली की शूट के दौरान मंदाना को एक दिन के लिए बाहर आना था, जब उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड रख दी और वो शुरू से ही नौटंकी भी दिखा रही थी। लॉकडाउन हो गया जिसके तहत शूटिंग बंद हो गई और लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से जब शूटिंग शुरू की गई तो मंदाना ने अपनी डेट्स जानने की कोशिश की। मंदाना ने बताया कि उन डेट्स पर काम करना उनके लिए मुश्किल होगा और तब उन्होंने पर डे 2 लाख रुपए की डिमांड रख दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी दूसरी शूट को कैंसिल करके ये डेट्स देगी। इसीलिए प्रोड्यूसर को ये बात माननी पड़ी और मंदाना ने ये सारा पैसा एडवांस में मांगा था। अब 13 की बात पर प्रोड्यूसर ने बताया है कि उस दिन शूटिंग की शिफ्ट 12 घंटों की थी, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक, लेकिन मंदाना 8 बजे ही अपनी वैनिटी में चली गई। तो इसीलिए धरीवाल मंदाना के पीछे पीछे आई ये समझाने के लिए कि शूट को पूरी करो वरना उन्हें नुकसान होगा और मंदाना के बिना शूट आगे नहीं बढ़ पाएगा। जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर वो बचा हुआ एक घंटा भी यूज करना चाहता था और मंदाना के जल्दी भाग जाने से वो शूट जो पेंडिंग रहता उसको अगले दिन शूट करना होता, जिसके लिए मंदाना एक बार फिर से 2 लाख रुपए चार्ज करती। धरीवाल कहते हैं कि मैं मंदाना को समझाने लगा लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी, पैकअप करने लगी तो फिर मैं चिल्ला गया, जिसके बाद वो वीडियो बनाने लगी। इनफैक्ट धरीवाल ने यह भी कहा कि मंदाना के वैनिटी में जाते ही 15 सेकंड बाद ही मैं अंदर चला गया था, वो चेंज नहीं कर रही थी तब। और तो और अंदर जाने से पहले मैंने दरवाजा नॉक किया था, उसने अंदर आने को कहा तभी मैं अंदर गया था। धरीवाल कहते हैं कि पूरा क्रू बाहर खड़ा हुआ था और मैंने मंदाना को 15 मिनट एक्स्ट्रा और देने की बात कही थी, लेकिन जब उसने नौटंकी दिखाना शुरू कर दी तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। बाद में वो शूटिंग फ्लोर पर आई और मेरा वीडियो बनाने लग गई। सेट पर मौजूद सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस पूरे तमाशे को देखा और उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूं। तो कुछ इस तरह से प्रोड्यूसर ने भी अपनी व्यथा बताई। वो मंदाना को शूट पूरी खत्म करके जाने के लिए कह रहा था क्योंकि अगले दिन का उनका अलग से एक्सपेंस लग जाता। क्या लगता है आपको, किसकी तरफ की स्टोरी सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।